अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, चार बार मंत्री रहा हूँ, नौ बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य रहा हूँ। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज। आप रमा देवी जी, आप मैं बगल में बैठा हूं, जो उनको कहना था उन्होंने अपनी किसी आप एक बार आजम खान जी, आजम खान जी बोल दें, आप आजम खान जी आप बोल दें, एक मिनट। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री, जो कुछ भी हुआ है, जो चर्चा हुआ है, हम सब बाद में भी जो चर्चा हुआ हम सब सुने हुए हैं। मैं सिर्फ ये अपील करता हूं, जो महिला, पूरा महिला सदस्यों का और पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है, ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। एक मिनट रमा देवी जी, एक मिनट रमा देवी जी आपस में चर्चा मत करो। कि उन्होंने कहा है, क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने इसकी कान में नहीं लगाए। अब देखिए स्पीकर साहब, भाषा देखिए, और मैं मंत्री जी से कहूंगा, जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज देखिए प्लीज। स्पीकर सर, फिर भाषा गलत हो गई। अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा, क्या क्षमा कह बड़ा जी लोग, हाँ फिर कह देंगे। हाँ बोले, हाँ नहीं कह चुके हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था, हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या एक हजार बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है, अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। स्पीकर सर, ये जैसे राम, प्लीज प्लीज प्लीज। रमा देवी जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? प्लीज प्लीज, रमा देवी जी का नोटेड हो। प्लीज जी प्लीज, इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, क्या इनको बकार नहीं है क्या? मैंने उनको अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है, और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है, और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि अब बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए अखिलेश जी, उनका मुंह में जवान है, उस समय बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह आजम खान की जो आदत है, यह सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये जानिए की बात मानते हुए हमारे जो आदेश हुए दिए, हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ। ठीक ठीक है माननीय सदस्य, ठीक है माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण एक मिनट माननीय, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक हाँ, अभी दे रहे हैं।
बात कर रहा हूं मैं आप, एक मिनट दादा, एक सेकंड दादा, प्लीज दादा प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन सबका है और सबकी सहमति से सदन चलता है। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी सदन के सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि हम जब कभी बात करें तो चेयर की तरफ देखकर बात करें, आपस में संवाद न करें इस सदन में। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, आपको कोई बात कहनी है, आपका सदन है, लोकतंत्र है, सबको इसमें कहने का अधिकार है, इसलिए आप चुनकर आए। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हम सदन की इस सभापति पीठ की अध्यक्षी पीठ की प्रतिष्ठा को बना सकें। मेरा दायित्व बनता है कि मैं सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करूं, उनको अपनी बात को मौका सदस्य बनने का मौका दूं। और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो क्षमा मांगी है, सभी दलों ने जो निर्णय किया उसके हिसाब से अब ऐसी कभी भविष्य में कोई माननीय सदस्य न करे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।